राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं, हम जो मिलजुल के यहाँ बैठे हैं इसको हिंदुस्तान कहते हैं। और मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और चार पंक्तियां पढ़ते हुए एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूँ जहाँ फिर एक बार आपके होठों तक मुस्कुराहट आ जाए, एक बार फिर आप खिलखिला जाए। और हमारे बीच बहुत दूर से चलकर, दिल्ली से चलकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं भाई सुंदरियाल साहब। मैं इनको बुलाने से पहले चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि एक सफर करते हुए, ट्रेन में सफर करते हुए चार पांच ताली बजाने वाले चढ़े। आपकी तालियां जो कमजोर पड़े इसमें मुझे याद आए, ताली बजाने वाले चढ़े मेरे पास। जब पहुंचा तो मैंने पहले तो नकार दिया उसको, बाद में जो घटना घटी यही चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पहले उसने पैसा मांगा मैंने उसको टाल दिया, पहले उसने पैसा मांगा मैंने उसको टाल दिया और चुम्बन लिया गाल का उसको 10 रुपया तत्काल दिया। भाई कभी अगर आप भी पल्ले पड़ जाएंगे तो नौबत आएगी ऐसे। पहले उसने पैसा मांगा मैंने उसको टाल दिया और चुम्बन लिया गाल का उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हद हो गई ट्रेन की घटना मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। भाई योगेंद्र सुंदरियाल साहब हमारे बीच हैं, जोरदार तालियां, बहुत दूर से सफर करके आए हमारे बीच। मुझे पंकज भाई ने विशेष कहा कि आपको हास्य पढ़ना है, लेकिन मेरी स्थिति में आपको बता दूं, मैं अगर वीरस की कविता पढ़ता हूं तो भी हास्य हो जाता है और श्रृंगार की पढ़ता हूं तो भी हास्य हो जाता है। ये जो बॉडी है, चेसिस जो आप देख रहे हो, इस पे रस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं कुछ भी पढ़ूं हास्य तो अपने आप ही होना है। मैं आरंभ करना चाहता हूं। जी अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मैं आपको अपनी यात्रा सुनाऊंगा और जहां तक मेरी यात्रा सफल होगी बस वहीं तक सुनाऊंगा। उसके बाद देखिए, अभी मुझे लगता है मैडम कह रही थी कि हर कोई प्रेम करता है, तो मैं आपको अपनी प्रेम की यात्रा सुनाऊंगा और वो लाइन चली गई, वो भरी हुई सी थी लाइन, बस उस लाइन से मुझे विशेष आग्रह चाहिए। अगर मेरी बात, मतलब मुझे लगेगा, मुझे आप बताओगे कि मुझे यहाँ कितनी देर ठहरना है, अगर उस पंक्ति को मेरी लाइन समझ में आ गई तो ये तो मुझे आशीर्वाद दे ही देंगे। मैं बात बस अपनी प्रेम की यात्रा तक आप तक जुड़ता हूँ कि प्यार का गीत सुनाने के लिए आ जाते, मेरी पुकार सुनना साहब, और पुकार में मजा आए तो बस इस उत्सव को महोत्सव कर देना। कि प्यार का गीत सुनाने के लिए आ जा तू, एक बार मुझको मनाने के लिए आ जा तू। प्यार का गीत सुनाने के लिए आ जा तू, एक बार मुझको मनाने के लिए आ जा तू, और कोई सूरज मेरे हिस्से में नहीं लेकिन छोटा सा दीप जलाने के लिए आ जा तू। वाह 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 वाह, कोई वाह, बहुत बहुत आभार। कि कोई सूरज मेरे हिस्से में नहीं लेकिन छोटा सा दीप जलाने के लिए आ जाता। मैं और शिद्दत के साथ पुकारना चाहता हूं कि आ सितारों से उतर कर आ भी जा। वाह, मजा लो, जहां आवा करने का मन करे खुल के करो, भूल जाओ कौन बैठा है। कि आ सितारों से उतर कर आ भी जा, चांदनी तू बन संवर के आ भी जा। आ सितारों से उतर कर आ भी जा, चांदनी तू बन संवर के आ भी जा। आ सितारों से उतर कर आ भी जा, चांदनी तू बन समर के आ भी जा। देख धरती पर है अंधेरा बहुत, आजा आजा कि अब आ भी जा। देख धरती पर है अंधेरा बहुत। देखो मित्रों, मेरे पास चुटकुले नहीं है, मैं जो कुछ भी हूं ऐसे सुनाऊंगा, लेकिन पूरा मजा लेना। कि गली गली तुझको पुकारा, देखे साहब पुकार बहुत करी लेकिन सफलता नहीं मिली, उस पीड़ा को गाना चाहता हूं जिन्हें सफलता नहीं मिली। कि गली गली तुझको पुकारा पर तू नहीं आई, गली गली तुझको पुकारा पर तू नहीं आई, हो गया मैं एक बंजारा पर तू नहीं आई, और सुबह से शाम तलक भटकता रहा तेरी चाह में, सूख के हो गया छुआरा पर तू नहीं आई। वाह वाह वाह, हो गया छुआरा पर तू नहीं आई। और मित्रों एक बात और बता दूं आपको, मैं बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष आदमी हूं, मैंने सोचा हिंदू धर्म में काम नहीं चल रहा तो उधर भी ट्राई मारी। अब उस ट्राई को भी आप देखिए, दोनों तरफ मैंने कोशिश की कि एक गली में मुमताज थी, एक गली में मुमताज थी, एक गली में उर्वशी,
वाह। एक गली में मुमताज थी, एक गली में उर्वशी, और दोनों पे नजरे मेरी कोई ना मुझसे फंसी। एक गली में मुमताज थी, एक गली में उर्वशी, और दोनों पे नजरे मेरी कोई ना मुझसे फंसी। और तर्क देखे साहब कि एक गली में मुमताज थी, एक गली में उर्वशी, और दोनों पे नजरे मेरी कोई ना मुझसे फंसी। और प्रेम के इस खेल में दिल तबाह हो गया, और एक का विवाह हुआ, एक का निकाह हो गया। प्रेम के इस खेल में दिल तबाह हो गया, और एक का विवाह हुआ, एक का निकाह हो गया। वहां भी फेल हो गए साहब। अब मैंने सोचा दोस्तों नया मॉडर्न जमाना है, और कोशिश करो, हार नहीं मानी मैंने से, ये ध्यान रखना साहब, फंसी कोई नहीं, हार नहीं मानी। मैंने सोचा देखता हूँ इधर उधर और कोशिश करके देखता हूँ, आजकल मॉडर्न जमाना चल रहा हो नेट वाला। मैंने सोचा को देखा कोई नेट पे फंस जा, कि आजकल मजा लीजिए मुक्तक का, कि आजकल मोहब्बत का बस इतना सा असर है, कि आजकल मोहब्बत का बस इतना सा असर है, ना मुझको खबर है ना उसको खबर है। वाह वाह वाह। कि आजकल मोहब्बत का, फेसबुक पे देख लेना, वहीं से बात उठा रहा हूं, कि आजकल मोहब्बत का बस इतना सा असर है, ना मुझको खबर है ना उसको खबर है, और चैटिंग के इस दौर में कुछ पता नहीं, एक मर्द इधर है एक मर्द उधर है। वाह वाह वाह। मित्रों, वाह, रामकली से चैटिंग कर रहा था, जब सामने मिला तो रामलाल निकला। कि आजकल मोहब्बत का बस इतना सा असर है, ना मुझको खबर है ना उसको खबर है, और चैटिंग के इस दौर में कुछ पता नहीं, एक मर्द इधर है और एक मर्द उधर है। वाह वाह वाह। मर्द इधर है एक मर्द उधर है, एक मर्द इधर। लेकिन दोस्तों, सच्चा आशिक होता है जो हार ना माने। मुझे एक पुराने चाचा जैसे मिल गए आशिक, कहना बेटे ऐसे लगे रहेगा कुछ नहीं, हाथ पल्ले लगे। इनकी सलाह पे चार मुक्तक, इनकी सलाह जो इन्होंने मुझे दी, हो सके आपके भी काम आ जाए, जो नए लड़के हैं सुन लो, कि इन्होंने जो मुझे कहा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं साहब। अगर तरीका समझ में आए तो इस बार महोत्सव से भी बड़ा कोई उत्सव होता हो तो वो कर देना, कि बेवजह लगे रहोगे तो बदनाम कर जाएगी। वाह। बेवजह लगे रहोगे बदनाम कर जाएगी, मोहब्बत दिल से करोगे तो अंजाम तक जाएगी। कि बेवजह लगे रहोगे तो बदनाम कर जाएगी, और मोहब्बत दिल से करोगे तो अंजाम तक जाएगी। और यूं सुबह शाम फोन पर मत चिपके रहो दोस्तों, उसे शिद्दत से चाहोगे तो मिस कॉल काम कर जाएंगे। उसे शिद्दत से चाहोगे तो मिस कॉल काम कर जाएगी। और चचा की ये थोड़ी मेरी काम कर गई साहब, कि बात अपनी छोटी सही, असर बहुत है, सीना 16 इंच का है मगर बहुत है। बात अपनी छोटी सही, असर बहुत है, सीना 16 इंच का है मगर बहुत है, और नाम मेरा उनके लबों पे आया ही था, मोहब्बत हो ना हो खबर बहुत है। वाह वाह वाह। मोहब्बत, वाह, मोहब्बत हो ना हो खबर बहुत है। दोस्तों मैं बताऊं, हमारा जो इलाका है वो कुरुक्षेत्र के आसपास का है, वहां जो प्यार भी होता है वो ठोक ठाक का होता है, वहां ये मिन्नत वाला नहीं होता। चार पंक्ति देता हूं कि या तो हम कुछ कर बैठे, और युवाओं के लिए मर्दानगी के साथ, बाकी आपको असली मर्दानगी तो मोहन मुंतजिर सुनाएगा। ये हमारे पास एक शेर है मोहब्बत का, लेकिन फिर भी मैं जो बात कह सकता हूं अपने वजूद के साथ, कि या तो कुछ हम कर बैठे या फिर अपने घर बैठे, या तो कुछ हम कर बैठे या फिर अपने घर बैठे, और या तो दिल लगाया नहीं या उसके होकर बैठे। वाह वाह। या तो दिल लगाया नहीं या उसके होकर बैठे। एक बात याद आ गई मित्रों, मैं ज्यादातर कवि सम्मेलन में वीर रस की कविता पढ़ता हूं, आज तो पंकज भाई ने कहा कि ये रंग भी दिखा दो तो इस
आपके सम्मान में ये रंग भी पड़ दिया। एक बार मैं कहीं वीरस की कविता पढ़ रहा था तो इत्तिफाकन मेरी पत्नी भी उस सभागार में थी। अच्छा, कई लोग डाउटफुल केस है, देख रहे ना इसका चबिया भी हो रहा है इसका। तो साहब वो जो है आजकल एक नई व्यवस्था चल रही है, आप समझ लिए, बस दो मिनट की बात है, क्योंकि मेरा मुख तक उस बात से जुड़ा हुआ है, इसलिए बात आपके समक्ष रख रहा हूँ, नहीं तो मैं बीच में ज्यादा बात नहीं करता, जुटेबाजी मुझे आती ही नहीं। स्वागत अभी बादशाह भाई कुछ कह भी रहे थे, बिल्कुल वही सेम मौजू है कि मोहब्बत अगर पाप है तो हमसे पाप हो गया। वाह वाह राणा जी, शेर सुनिए, मजा लीजिए बिल्कुल, कि मोहब्बत अगर पाप है तो हमसे पाप हो गया, और ये जो कुछ भी था सब अपने आप हो गया। वाह वाह वाह, मोहब्बत अगर पाप है तो हमसे पाप हो गया, और ये जो कुछ भी था सब अपने आप हो गया, और नागिन सी जब से बलखाने लगी है तू, देखना ये कैचुआ भी साफ हो गया, देखना ये कैचुआ भी साफ हो गया। मेरे ख्याल से बहुत लंबी फहरिस्त है, फिर कभी आप कहोगे तो कुछ और सुना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।